सेंटा क्लॉज मुझे दो प्लीज, मुझे दे दीजिए। थैंक यू सेंटा क्लॉज। मुझे थैंक यू सर। टोबा मास्टर। ओ भाई साहब कांचा चीना। इट इज अबाउट टू एंड। इट इज अबाउट टू एंड। तो भाई खत्म, मतलब खत्म ही हो गई है अपनी लैंग्वेज, दिल्ली वालों की लैंग्वेज में खत्म होती है वो। अबाउट अबाउट टू खत्म ही माने जाते हैं हमें तो। नहीं 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 नहीं, फुल टंकी वाले इंसान है भाई। अरे अमीरी पैसा बहुत बाबा पैसा। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। आई होप आपने पिछली वीडियोस मेरी बहुत पसंद की होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है राहुल के पास, तो मैं जा रहा हूँ राहुल के घर और बहुत दिनों बाद आज मुलाकात होगी। तो दोस्तों अभी तक मैं ऑफिस का काम कर रहा था, मेरी शिफ्ट थी ऑफिस की, आप बाल भी देख रहे होंगे बने नहीं है ढंग से, तो जल्दी से मैं तैयार हो जाता हूँ और तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए हमारे छोटे से सेंटा की। तो देखते हैं हर्षी ने सेंटा बन के क्या किया है, तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए। ओए तेरा हर्षू, ओए सेंटा क्लॉज इधर आ, तो चॉकलेट तो दिखा हमने, लॉलीपॉप कहाँ है? क्यों सेंटा क्लॉज मुझे दो प्लीज, मुझे दे दीजिए। थैंक यू सेंटा क्लॉज। मुझे थैंक यू सर। मुझे भी दो, मामा को भी दो। दूध वाली है? कौन सी वाली है? दूध, दूध वाली लॉलीपॉप है। तो मैरी क्रिसमस बोल दो। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी, मैरी क्रिसमस। हो 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 बोलो। हो हो हो। तूने किस किस को दी सर टॉफी? बहुत सारे लोगों को दी टॉफी। किस किस को दी है? आपको 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 किसको? चल बाय कह दो, बाय। तो दोस्तों ठंड बहुत हो गई है दिल्ली में और मम्मी तो मनाही कर रही थी कि रात का समय हो चुका है, करीबन 6:30 बज चुके हैं अभी, और जाने के लिए मना कर रही थी क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी बाहर और हवा भी चल रही थी। बट यार बहुत टाइम हो गया था दोस्तों से मिलने और अब तो आदत सी है यार, बचपन से ही दिल्ली में रहते हैं तो इतनी दिल्ली की ठंड और दिल्ली की गर्मी ये दोनों सहने की आदत हो गई है। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए टाइम निकलता हूँ घर से और सीधे मिलता हूँ राहुल के वहाँ वैशाली। अरे दर्शन दिया करो कभी प्रभु। ब्लॉग बना रहा ब्रो, ब्लॉग बना रहे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको, हाथ तो मिला लो, देख लो, बड़े लोग पीछे भी नहीं देखते नई जॉब के लिए। अच्छा अभी ज्वाइन नहीं करा ब्रो? कोई बात नहीं, ज्वाइन तो करेगा ही जनवरी से। तो दोस्तों बालों की हालत ऐसी हो गई है, हमारे दोस्त आप तो इसको मिल चुके हो हमारी पहली की वीडियो में भी, टोबा मास्टर। ओ भाई साहब कांचा चीना। बस लोग गर्मियों में बाल कटवाते तो सर्दियों में दादा अपना स्वैग अलग है ब्रो। अरे तू तो कह रहा बाल बाल झड़ रहे होंगे तेरे, तभी कटवाया तूने बेटा। अरे बाबा स्वैग अलग है अपना। तो चाय वाय पीते फिर थोड़ा घूमने काम में निकलते हैं हम। तो दोस्तों गाड़ी निकाल दी और चलते हैं कहीं, कहीं तो निकलेंगे, क्यों? लेट्स गो, लेट्स गो। तो जी सीएनजी खत्म हो गई है भाई के गाड़ी की, तो सीएनजी भरवाने आए हुए हैं, 2-4 मिनट लगेगा यहाँ पर गाइस। खत्म नहीं हुई है, इट इज अबाउट टू एंड। इट इज अबाउट टू एंड। तो भाई खत्म, मतलब खत्म ही हो गई है अपनी लैंग्वेज, दिल्ली वालों की लैंग्वेज में खत्म होती है वो। अबाउट अबाउट टू खत्म ही माने जाते हैं हमें तो। नहीं नहीं नहीं, हम तो फुल टंकी वाले इंसान है भाई। अरे अमीरी पैसा बहुत बाबा पैसा हमारे पास ही बहुत है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। बस मतलब ये है कि अगर हम कहीं लंबे रूट पे जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी पूरी टंकी फुल रहे, फुल एज इन पूरी गैस फुल रहे। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना अगर हम यहाँ पर हैं ही तो फुल करवा लेते हैं, सिंपल। और क्या, पर लुक यार बड़ा मस्त लग रहा है तेरा कांचा चीना वाला। अब बता, बहुत भाई ने बाल दान कर दिए पैसों के साथ साथ। तो गाइस कमेंट करके बताइए, बताओ कि राहुल का लुक कैसा लग रहा है आपको, है? वाह साहब कुछ भी गया, मस्त लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं, गैस भरवाते हैं उसके बाद। तो दोस्तों राहुल गया है कोल्ड ड्रिंक लेने अपने लिए, इतनी ठंड में भी वो कोल्ड ड्रिंक पीता है और मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो चलिए आ गया है राहुल। दोस्तों आज एक नया चेहरा आया है हमसे मिलने, ये हमारे बहुत पुराने दोस्त है, 10-12 साल की दोस्ती। तो इनका नाम है विजय, कैसा भाई? एकदम बढ़िया बढ़िया। हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों पहली बार आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में इनको, और राहुल मैं और विजय तीनों म्यूचुअल फ्रेंड हैं,
तो राहुल, वैसे पहले राहुल का फ्रेंड था लेकिन जब से राहुल मेरे साथ कॉलेज में आया तो मेरा दोस्त भी बन गया। तो करीबन हमारी दोस्ती को बहुत ज्यादा किस्से है, कभी फुर्सत में बताएंगे आपको। 11 साल हो गए हैं मिले हुए हमको और आज बहुत बहुत टाइम बाद मिला यार। Still going on। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज क्रिसमस ईव कैसा होता है। सेंटा क्लॉज जैसा दिख तो रहा है। हाँ, सेंटा क्लॉज बन के आया बिल्कुल भाई, लाल सेंटा क्लॉज और ये काला वाला सेंटा क्लॉज। और राहुल का यार मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सा सेंटा क्लॉज बना हुआ है अभी। तो राहुल गया हुआ है कुछ खाने में, हमारे लिए कुछ लेने, तो चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों डिनर करने हम आए हैं यहाँ पर, इसका नाम है कुक्कू द ढाबा। तो यहाँ पे हम डिनर करेंगे वो भी प्योर जैन, बिना लहसुन प्याज का। और चलिए डिनर करते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आपको। हाय फ्रेंड्स, हम लोग आ गए यहाँ पर कुक्कू द ढाबा पे और ये बिल्कुल प्योर वेज रेस्टोरेंट है ये, बिना लहसुन प्याज का। और यहाँ पर प्याज भी यूज नहीं करते हैं। मैं तो कहूंगा कि अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके फैमिली वाले अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लोग प्लीज इस रेस्टोरेंट में आइए, अपने फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करिए। बहुत ही सुपर्ब खाना है यहाँ पे, आप एक बार ही आइए और आपको जरूर मजा आएगा। आप एक बार ही आइए। सेक्टर कौन सा है ये? है वैशाली सेक्टर 1 और नियरेस्ट प्लेस है यहाँ पर वैशाली मैक्स हॉस्पिटल। आप इसके पास आएंगे तो कुक्कू द ढाबा यहाँ से बिल्कुल दूर नहीं है, शायद 100 मीटर होगा। और एक और लैंडमार्क है नियर राहुल का घर। हाँ, नियर मेरा घर यहाँ से बहुत पास है। आप लोग आइए, आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोग मेरे को फोन कर दीजिएगा। हाँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर खुद की हॉस्पिटैलिटी दूंगा बिल्कुल। और बदले में कितना लोगे? कुछ भी नहीं बदले में राहुल का प्यार मिलेगा। तो चलिए डिनर करते हैं, फिर बिल मेरे नाम पे बिल राहुल के नाम पे फटेगा। बिल मेरे नाम पे पेमेंट कर दो, अच्छा है, गायब हो जाए। बिल मेरे नाम पे, बिल मेरे नाम पे। और वैसे भी विलन वाली लुक बना रखी है भाई साहब ने। भाई लुक जो है वो विलन वाली है लेकिन काम सारे हीरो वाले हैं। आप लोग आओ एक बारी, मैं आपका बिल पे करूंगा। देखो फिर क्या होता है। 150 रुपया देगा। आप आइए। तो चलिए डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वी हैव एक्चुअली स्विच्ड आवर लोकेशन फ्रॉम कुक्कू द ढाबा, वी हैव रीलोकेटेड टू गोरिल्लास। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, इसके जो रिव्यूज हैं वो काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। तो वी हैव नेवर बीन इनटू दिस, हम कभी यहाँ पे गए नहीं थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर आज पहली बार ट्राई करें। सी, क्रिसमस से अच्छा कोई ओकेजन हो भी नहीं सकता था, बिकॉज सी टू बी ऑनेस्ट, हम नहीं चाहते थे कि हम न्यू ईयर पे कोई अच्छा कोई या फिर कोई अलग रेस्टोरेंट ट्राई भी करें। तो वी ट्राइड कि हम पहले से कोई रेस्टोरेंट ट्राई कर लें ताकि हमको न्यू ईयर पे कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई ना करना पड़े। सो दैट इज़ वाई वी आर हेयर and we are hoping that it is going to be a good one. So let's see how it goes and we'll let you know about the taste. So please be with us. तो दोस्तों मैंने तो कर लिया है डिनर और राहुल और विजय दोनों डिनर कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर। घर पे मैंने गाजर का हलवा मंगाया था और सिस्टर को डिलीवर हो गया था वो स्विगी से, तो उसने मेरे लिए अभी बचा रखा है गाजर का हलवा। तो घर जाके गाजर का हलवा पे लूँगा और चलिए घर पे मिलता हूँ। हो फाइनली दोस्तों घर पहुँच चुका हूँ और टाइम हो गया, रात के बज गए हैं 11:15। जस्ट 10 मिनट पहले मैं घर पहुँचा हूँ और हाथ मुँह धोया है। तो बहन ने गाजर का हलवा रखा है थोड़ा सा मेरे लिए, तो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है गाजर का हलवा जो मेरे लिए रखा है और जल्दी से मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो दोस्तों अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।